हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रोबिन सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा रैप ट्राउज़र कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, रैप ट्राउज़र को कैसे पहना जाता है, कैसे बनाया जाता है, पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आपको मिलने वाला है दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रैप ट्राउज़र का एक थोड़ा सा डेमो। तो दोस्तों, इसे बोला जाता है रैप ट्राउज़र और बहुत ही आसानी से दोस्तों बन जाता है। आगे पीछे से इसे आप दोनों तरफ से किधर से भी पहन सकते हो। तो दोस्तों, इसको कैसे पहनना है आइए देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस रैप जो ट्राउज़र है इसको बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, कपड़ा टोटल दोस्तों मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। और अगर इसके अर्ज की बात की जाए तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं इसका जो अर्ज है टोटल वो है 42 इंच। अब दोस्तों, इस कपड़े को देखिए मैंने कैसे बिछाया हुआ है। ये इसका सीधा वाला हिस्सा है और ये देखिए, ये कपड़ा इस समय डबल है। इसको डबल आपको इस तरह से बिछाना है। इस तरह बिछाने के बाद दोस्तों, अब इसे आपको करना है फोर फोल्ड। कैसे करना है ये देखिए, ये जो किनारे वाले हिस्से हैं, चारों किनारे वाले हिस्से आपकी तरफ होने चाहिए। ये देखिए, ये किनारे वाले हिस्से देखिए, 1, 2, 3, 4, ये चारों किनारे वाले हिस्से रखने हैं आपको अपनी तरफ, जैसे कि मैंने इसको मेरी तरफ रख लिया है। अब दोस्तों, इस तरह बिछाने के बाद अब हम करेंगे इसकी मार्किंग। फ्रेंड्स, इस तरह कपड़े को बिछाने के बाद आप देख सकते हो ये चारों किनारे मेरी तरफ मैंने कर लिए, इधर से भी बिल्कुल बंद भाग है। दोस्तों, रैप जो ट्राउज़र होता है, रैप प्लाजो जो होता है, इसमें सिर्फ दो ही नाप की जरूरत पड़ती है। पहली पड़ती है लंबाई की, लंबाई है इसकी 38 इंच यानी 38, और दूसरी जो पड़ती है हमें हिप साइज़ की, हिप दोस्तों इसका है वो है 36। अब दोस्तों, इस दो नाप के अकॉर्डिंग हमने इस प्लाजो की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, इधर से ये जो खुला हुआ भाग है, इधर से दोस्तों सबसे पहले हम नापेंगे इसकी लंबाई। लंबाई है टोटल 38, तो हमें 1 इंच कम करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें लगेगी 1 इंच के ऊपर बेल्ट। देखिए, 1 इंच कम करने के बाद आप देखिए 38 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 38। तो 38 पे आपको लगाना सीधा मार्क। ये देखिए, ये हो गई इसकी लंबाई। अब इसके बाद दोस्तों हम इसका निकालेंगे क्रोच एरिया। क्रोच एरिया आपको निकालना है इस जगह से, जिधर से बिल्कुल बंद है। आपको करना कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। आपको बस इधर से ये देखिए 3 इंच कम करना है और इस तरह सीधा एक निशान लगाना है। और बात करें अगर इसके हमें इसका जो आसन है या फिर क्रोच एरिया वो रखना कितना है, तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका इसका आसन निकालने का, हिप साइज का आपको करना है चौथा हिस्सा। हिप साइज 36, तो 36 का जब हम 1/4 करते हैं तो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 9 इंच। और इसके अलावा इसके अंदर आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, यानी कि टोटल जो इसका क्रोच एरिया हम लेंगे वो लेंगे 12 इंच। तो ये 12 इंच पे आपको इस तरह निशान लगाना है। यहाँ पर एरो का निशान बताते हुए यहाँ पे आपको देनी है गोलाई, इधर से इसका क्रोच एरिया निकल जाएगा। और ये जो किनारे वाले हिस्से हैं दोस्तों, इधर से भी आपको गोलाई देनी है। तो गोलाई कैसे देनी है ये देखिए, ये देखिए इस तरह से जो है आपको गुलाई देनी है। ये मैंने गुलाई का इसमें मार्क कर लिए। गुलाई के लिए आप इस जगह से कम ये देखिए 3 इंच का आपके पास मार्जिन होना चाहिए। देखिए, मैंने 3 इंच की यहाँ से दूरी ली है, ये वाली जो दूरी है 3 इंच के करीब ली है। आपको इधर से गुलाई करनी है और इधर से गुलाई करनी है। अब दोस्तों, कटिंग करते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो है टोटल इसकी लंबाई है, लंबाई से आपको लगभग 1 इंच इसको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि 1 इंच नीचे इसमें फोल्ड भी हो जाता है। तो इसकी देखिए दोस्तों कटिंग कैसे होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हो, ये जो है मैंने इस तरह से जो हमारा रैप जो होता है ट्राउजर, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, स्टिचिंग करना बिल्कुल आसान है दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं। जैसे ही आपके दो पार्ट कट गए, सबसे पहले आपको इसका जो क्रोच एरिया है इसकी सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको एक पैर का मार्जिन देते हुए, या फिर आधा इंच जिसे हम बोलते हैं, आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से एक बिल्कुल राउंड में सिलाई लगानी है। और एक सिलाई में दोस्तों इसका जो क्रोच एरिया सिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा मैं बताऊंगा सिलाई लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये देखिए क्रोच एरिया की जो सिलाई है वो मैंने लगा ली है, और बीच में हल्के हल्के से आप इस तरह से कट लगा लें, ताकि पहनने करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसमें दोस्तों थोड़ा सा खिंचाव भी जो होता है सारा खत्म हो जाएगा इस तरह से कट लगाने के बाद। अब दोस्तों, ये जो सिलाई मैंने लगा ली, सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये देखिए इसके जो दोनों पार्ट हैं, आपको एक एक पार्ट में दिखाता हूँ। एक पार्ट इसका ये वाला है, दूसरा पार्ट इसके नीचे है। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए, इस सिलाई को आपने इसमें फोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए पूरे को राउंड में इस तरह से यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, और इस सिलाई को आपने यहाँ पर लाके खत्म करना है। लेकिन दोस्तों, ये जो गुलाई वाली जगह है, यहाँ पर सिलाई लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आप इसको एक साथ यूँ पकड़ के सिलाई लगा रहे हो, लेकिन ये जो गुलाई वाली जगह है, यहाँ पर प्रॉपर सिलाई आपकी नहीं बैठ पाती। इसके लिए क्या करना है आपको, आपको पहले लगानी सिंगल सिलाई। सिंगल सिलाई का मतलब इसको जरा सा फोल्ड करना है एक बार,
और यहाँ पर लगानी है आपको किनारे किनारे पे सिलाई। एक बार जब आपका ये फोल्ड हो जाएगा तो फोल्ड होने के बाद जब आप दूसरी सिलाई लगाओगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, एक सिलाई लगाने के बाद अब आपको लगानी दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई लगाने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि एक बार हमने इसको फोल्ड कर ही लिया है। दोस्तों ये देखिए, ये जो नीचे से गोलाई वाली शेप थी बिल्कुल आसानी से मैंने फोल्ड कर ली है क्योंकि दोस्तों पहले एक बार मैंने फोल्ड कर लिया था तो दोबारा फोल्ड करने में दिक्कत नहीं आती। अब जिस प्रकार से इसको मैंने फोल्ड करा सेम उसी तरह से दूसरी तरफ भी आप इसको फोल्ड कर लें। फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें जो है मैंने साइड में सिलाई जो है दोनों तरफ लगा ली है और आसानी से सिलाई लगाने के बाद अब इसका थोड़ा सा मैं आपको लुक दिखाता हूँ। ये तो हो गया इसका बीच का पोर्शन यानी कि जो क्रोच एरिया है। इसके बाद ये देखिए दो ये इस तरह से पार्ट आपको इस तरह से नजर आएंगे। ये इसका क्रोच एरिया हो गया और इधर से जो है ये वाला इसका जो है आपको पार्ट इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है ये आपके दो लेग्स जो है कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो क्रोच एरिया वाली जो पार्ट है इसमें आपको लगानी है ऊपर बेल्ट। अब बेल्ट लगाने का तरीका देखें दोस्तों क्या तरीका है। आपको बेल्ट की जो चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 3 इंच। ये जो बेल्ट की जो दोस्तों चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच ली है क्योंकि जब इस बेल्ट को मैं इस तरह से लगाऊंगा फोल्ड करने के बाद आधा आधा इंच माजे में चला जाएगा, बेल्ट हमारी बनेगी 1 इंच कंप्लीट तैयार। अब दोस्तों बेल्ट को लगाना कैसे है, ये तो इसका सेंटर पॉइंट है लेकिन दोस्तों जो आपने बेल्ट लेनी है ये बेल्ट आपको इतनी बड़ी लेनी है कि दोनों तरफ से लगभग 12 या 13 इंच के करीब एक्स्ट्रा ये बेल्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये देखिए बेल्ट जो मैंने ली है सेंटर में मैंने कट लगा दिया और इस बेल्ट को दोस्तों आपको रखना है इस तरह से। ये देखिए ये जो मैंने कट लगाया इस तरह इसके बीच को बीचों बीच रखा और अब आपको जो सिलाई स्टार्ट करनी है यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए और इसके अलावा एक्स्ट्रा कम से कम 12 इंच 13 इंच या फिर 11 इंच जितना भी आप चाहो, कम से कम 10 से 15 के बीच में आप जितना बड़ा चाहो उसको रख सकते हो। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके में सीधी एक सिलाई लगाएंगे, वो सिलाई कैसे लगेगी आइए देखिए मशीन पर। ये देखिए दोस्तों इस तरह से जो ये बेल्ट मैंने लगा ली है, अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको क्या करना है आपने, ये देखिए इसको यहाँ से इतना फोल्ड करना है आपको अंदर की तरफ, इसको भी इतना अंदर की तरफ फोल्ड करना है। आप देख सकते हो दोनों तरफ मैंने अंदर फोल्ड कर लिया है। अब इसे इस तरह से पकड़ें और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद इसे कर लें सीधा। और सेम इसी तरीके से आपका जो इसका दूसरा वाला छोर आपको नज़र आ रहा होगा बेल्ट का, ये देखिए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है आपको आधा इंच के करीब, आधा इंच इधर से, और इसको पकड़ते हुए आपको इस तरह से सिलाई लगानी है और इसे भी कर लेना है सीधा। अब सीधा करने के बाद दोस्तों बहुत आसानी से ये देखिए इसको आपने यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करें आधा इंच इधर से दबाते हुए, आधा इंच इधर से दबाते हुए, और इस छोर से सिलाई की स्टार्ट करनी है आपको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से इसको मैंने पट्टी को बढ़ा के रखा हुआ है। आप ये देखिए कम से कम 11 से 12 इंच के करीब ये पट्टी मैंने एक्स्ट्रा ली है और इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी मैंने ये देखिए पट्टी ली है। तो दोस्तों जैसे ये बेल्ट मैंने लगाई है इस तरफ तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी आपको इसी तरीके से बेल्ट लगानी है। मैं आपको दूसरा वाला पार्ट दिखा देता हूँ। ये जो दूसरा वाला हिस्सा है उसमें भी आपको दोस्तों इस बेल्ट को इसी तरह से सेम लगा लेना है। और ये सिलाई लगाने के सारे दोस्तों ये जो है हमारा रैप जो प्लाजो है कंप्लीट हो जाएगा। लगाने का तरीका वही है जैसा मैंने इसमें लगाया है। सेंटर में कट लगाना है आपको और इसका वो रखना है इसके सेंटर पॉइंट से इस तरह से मिलाते हुए। ये देखिए कट से इसको मैंने मिला दिया और जैसे मैंने पट्टी को लगाया सेम उसी तरीके से इस पट्टी को भी आपने स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से जो है हमारा रैप ट्राउज़र तैयार है। बिल्कुल आसान तरीके से इसको आप बना सकते हो, बिल्कुल भी टेढ़ा काम इसके अंदर नहीं है। केवल 2-3 सिलाइयों में ही ये रैप ट्राउज़र बन जाता है। और ये देखिए दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है आप इसे किधर से भी पहन सकते हो, आगे से पीछे से दोनों तरफ से, इसका कोई आगे पीछे का कोई इशू नहीं है। बस साइड से इसमें हल्की सी गुलाई करनी होती है
और दोस्तों सिर्फ इसमें रह गया प्रेस का काम, और प्रेस के बाद इसको दोस्तों पहनने के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया ये एक नई चीज़ जिसे बोला जाता है रैप ट्राउज़र। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।